सोमवार आधी रात के बाद शिबली नगर के बाहर हुई खूनी वारदात, लूट के इरादे से किया गया युवक के सर पर हथौड़ी से वार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 20 अप्रैल रात में 1:30 बजे के करीब शिबली नगर के सामने सुल्तान वेडिंग हॉल के पास एचपी गैस सिलेंडर सप्लाई का एक ट्रक खड़ा था। ये ट्रक चालक मुस्तफा खान शिबली नगर में ही रहते हैं। उन्होंने अपने ही एक रिश्तेदार युवक को इस ट्रक में ट्रक की देखभाल और सिलेंडर की देखभाल के लिए रोका कर रखा था। रात 1:30 बजे के करीब एक युवक वहां पर आया, आसपास ट्रक के टहलने लगा। टहलने के दौरान उसने देखा कि ट्रक में कोई मौजूद है ड्राइवर केबिन में, तो उसने इस युवक से, जो ट्रक के ड्राइवर केबिन में मौजूद था, उससे कहा कि मुझे पनवेल जाना है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो युवक ने कहा कि कुछ मेरे पास है नहीं। तो कहा ठीक है, मुझे पानी ही पिला दो। तो इस युवक ने पानी देने के लिए जैसे ही खिड़की खोली और उसको पानी देने के लिए हाथ बाहर निकाला, तो बाहर खड़े उस युवक ने उसका हाथ खींचकर उसके सर पर हथौड़ी से वार कर दिया। वार जहां किया गया वहां पर उसे 3 टाके आए और झटापटी में वहीं अपने आप को बचाने के दौरान ये युवक जो है पीछे हुआ तो खिड़की में लग करके उसे सर में एक और जगह चोट आई, जिसमें 2 टाके आए हैं। इस पूरी वारदात को लेकर के क्या कहा ट्रक के चालक मुस्तफा खान और इस लूट की वारदात जो असफल रही उसके शिकार हुए करीम खान ने, वो उनकी अपनी जुबानी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अस्पताल की उनकी तस्वीरें और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किए जाने के बाद जब पहुंची तो रात का वो वीडियो भी हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल बयान दर्ज करने के बाद और करीम खान का बयान और पंचनामा करने के बाद पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई आगे कार्यवाही नहीं की है। क्या नाम है आपका और इनके साथ जो वारदात हुई है ये कौन है और कब हुई है ये वारदात, किस तरीके से हुई? मेरा नाम अबू बकर खान है, मैं गाड़ी अलीबाग से भर के आया। किस चीज की गाड़ी थी? एचपी गैस का सिलेंडर का गाड़ी था ट्रक। हाँ। तो मैं मीरा रोड का लोड भर के आया तो रिक्शा बंद है, इसके लिए मैंने गाड़ी यहाँ दोस्ती के सामने लगा दिया। हाँ। तो इनको भेजा रात को कि गाड़ी में क्लीनर है। हाँ। सो जाओ। हाँ। तो रात को 1:30 बजे जो है फोन आ रहा है कि मेरे को चोर हथौड़ी से मार दिया, बोला पान। अच्छा। तो मैं भाग के फिर गया गाड़ी के पास बाजू वाले को लेके। हाँ। फिर देखा तो वहाँ फिर 100 नंबर में फोन किया, पुलिस आई, फिर उनको फिलहाल हॉस्पिटल लेके गई। हाँ। तो फिर वहाँ से मैं डिस्चार्ज करके टाका विका लगा के फिर 4 बजे वहाँ से घर पे लेके आया। हाँ। फिर गाड़ी वहाँ से मैंने स्टार्ट करके फिर पुलिस चौकी अपना बाईपास के पास वहाँ खड़ा किया गाड़ी। हाँ। खड़ा करके फिर मैं इसको लेके घर पे आया। अच्छा, तो बिलाल अस्पताल में इलाज हुआ? हाँ, बिलाल हॉस्पिटल में इलाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा और ये वारदात कैसे हुई तुम्हारे साथ? मेरा नाम करीम खान है। हाँ। और मैं रात को इधर ही गाड़ी में सो रहा था। हाँ। तो एक आदमी आया तो बोला कि मुझे जाना है पनवेल जाना है, तो मुझे छोड़ दोगे? तो मैं बोला कि अभी तो नहीं छोड़ पाऊंगा, सुबह में कोई गाड़ी वोड़ी का बोल करके आपको छुड़वा दूंगा। तो बोला कि मैं इधर ही थोड़ा बैठ जाऊं, तो बोला बैठे रहो। तो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को अगर हो। हाँ। तो मैं बोला कि नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ खाने को नहीं है। हाँ। तो बोला अच्छा पानी ही पिला दो। तो मैं बॉटल निकाल करके खिड़की से उसको दे रहा था। हाँ। तो मेरा हाथ पकड़ करके खींच के हथौड़ी लेके मुझे इधर मारा। अच्छा, सर में कितनी जगह मारा उसने? एक ही जगह मारा, लेकिन मैं पीछे हटा तो वो खिड़की फिर इधर भी लग गई, तो दो जगह चोट आ गई। अच्छा, कितने टाके आए सर में? इधर 3 टाके और यहाँ पे 2 टाके, 5 टाके। 5 टाके आए हैं। अभी ये चोर जो है, ये तुम्हारे हिसाब से क्या मकसद था उसको तुम्हारे ऊपर हमला करने का? तुम्हारे से कुछ चुराना चाह रहा था या गाड़ी से गैस का सिलेंडर वगैरह चुराना चाह रहा था, क्या था? मुझे लगता है वो जो मुझे मार के शायद बेहोश कर देता, फिर वो कुछ चुराता है। मेरे पास मोबाइल था, पर्स था। हाँ। और फिर गाड़ी में गैस सिलेंडर भी भरा हुआ था। ये लो। तो जी, तो ये उसके पास, ये उसके पास था, ये दोनों हथियार उसके पास, जी उसके पास ही था। हाथ ऊपर कर, ये दोनों हथियार से मारा उसने, जी ये हथौड़ी से मारा। हाँ। बाद में जब वो, मैं नीचे करके मैं बोला उसको कि मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ, तो ये हथियार उधर ही छोड़ करके भाग गया। अच्छा, कितने लोग थे? अकेले ही था वो टाइम, तो मेरे सामने अकेले ही था। अच्छा, ये अभी बताइए, आपने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, इसका स्टेटमेंट भी हो गया, उसके आगे पुलिस ने कुछ कार्रवाई के लिए आपको बुलाया? मेरे को कार्रवाई के लिए नहीं बुलाया, हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पूरा मतलब पंचनामा करके लिखो के कैसा हुआ क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट लिया। हाँ, स्टेटमेंट लेके आपका भी लिया?
किसने? मेरा नहीं, कुछ लिए इनका ही लेके, फिर करीम का लिया है। करीम का लिए, कैसे हुआ क्या हुआ लिख के लेके चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर कोई फोन वोन नहीं आया? कुछ भी फोन वोन नहीं आया। मतलब आगे अभी तक कोई कार्रवाई बढ़ी नहीं है? कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं बढ़ी।